इन चार चीजों पर हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं ये होते क्या है। तो अगर मैं रैंक की बात करूं, देखिए रैंक जो होता है वो आपका एक तरीके से एक यूनिक रैंक असाइन करता है सारे के सारे रोज में, जितने भी रोज होंगे आपके टेबल के अंदर सभी को एक रैंक दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी रैंक इक्वल होता है, अगर वो टाई करता है, तो वहां पर गैप आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर एक टेबल है, इसके अंदर आईडी कॉलम है, स्टूडेंट नेम है एंड स्कोर है। हम स्कोर के बेसिस पर रैंकिंग कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम एक कॉलम बनाते हैं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं रैंक अंडर स्कोर COL कॉलम। अब देखिए, आप समझिए, हम रैंकिंग रख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पर, स्कोर के डिसेंडिंग ऑर्डर पर। मतलब जो सबसे बड़ा स्कोर रहेगा उसका रैंक सबसे कम रहेगा, यानी कि फर्स्ट रैंक रहेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, 92 इन सभी इस पूरे कॉलम में सबसे बड़ा है, तो इसका रैंक क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है। अगर मैं दूसरे रोज में आकर देखूं तो ये भी 92 है, तो होना चाहिए यहाँ पे सेकेंड, बट सेम नंबर होने की वजह से इसका भी रैंक 1 हो जाएगा। तो हमें, हमारा होना क्या चाहिए था? 2, बट सेम नंबर होने की वजह से इसको हमने 1 रखा, यानी कि हमने हमें 2 को स्किप करना होगा। तो जब हम 2 को स्किप करेंगे तो अगला नंबर क्या आने वाला है? 3। तो 87.8, 92 के बाद दूसरा नंबर जो है वो 82.8 है, डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें। लेकिन हमने 2 को स्किप कर दिया था क्योंकि 2 बार 1 1 आ गए थे, तो इसका रैंक होगा 3। फिर हम अगर नीचे आते हैं तो अगर हम देखें 87.8, ये भी हमारा सेम टू सेम वही है, तो होना चाहिए था 4, बट सेम नंबर होने की वजह से इसका भी रैंक 3 होगा, तो हमने 4 को क्या किया? स्किप कर दिया। तो इस तरीके से हम सेम रैंकिंग अगर होती है तो हम स्किप करते जाएंगे। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 4 हमने स्किप किया था, तो नेक्स्ट क्या होगा? वो हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि 85.5 जो है 87.8 के बाद आता है इस पूरे कॉलम के अंदर। और इसके बाद हमारा जो लास्ट में 74.3 बचा, इसका रैंक हो जाएगा 6। तो रैंक रैंक फंक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर हम डेंस रैंक की बात करें, डेंस रैंक जो होता है वो सिमिलरली रैंक के जैसा ही वर्क करता है, बट यहाँ पर गैप नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर सेम होता है तो आप उस नंबर को स्किप नहीं करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने एक नया कॉलम बनाया जिसका नाम रखा है मैंने डेंस अंडर स्कोर रैंक अंडर स्कोर COL। अब देखिए होगा क्या, 92 जो है हमने स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मान के चल रहे हैं, डेंस रैंक भी निकालना है, तो यहाँ पर तो 1 होगा क्योंकि 92 सबसे हाईएस्ट है स्कोर के अंदर। सेकंड में क्या होगा? यहाँ पर भी 1 ही होगा क्योंकि सेम टू सेम नंबर है। लेकिन अगली बार जो होगा वो 2 आएगा, मतलब आप किसी भी नंबर को, किसी भी रैंक को स्किप नहीं कर रहे हो, 2 आएगा अगली बार। फिर 87.8, ये भी सेम टू सेम नंबर है, तो डेंस रैंक 2 होगा। लेकिन इसके बाद जो रैंक आएगा वो 3 होगा, आपने स्किप नहीं किया। फिर लास्ट में 74.3, इसका डेंस रैंक क्या होगा? 4 होगा। तो डेंस रैंक कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं, आप कभी भी किसी भी रैंक को स्किप नहीं करोगे अगर आपका नंबर सेम होता है। अब हम बात करते हैं परसेंट रैंक के ऊपर। देखिए परसेंट रैंक क्या होता है? इट कंप्यूट्स द रिलेटिव रैंक ऑफ ईच रोज एज अ परसेंटेज। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप हमेशा याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है रैंक माइनस 1 डिवाइडेड बाय टोटल रोज माइनस 1, रैंक माइनस 1 डिवाइडेड बाय टोटल रोज माइनस 1, ये याद रखना आपको। तो अगर मैं इसको भी समझूं, सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को इरेज कर लेता हूँ। मैं वापस से एक रैंक कॉलम क्रिएट करता हूँ, तो मैंने रैंक अंडर स्कोर COL कॉलम क्रिएट किया है, तो रैंक मेरा क्या होगा? 1 1 3 3 5 एंड 6, ये मेरा रैंक हो गया। अब अगर मुझे परसेंट रैंक बनाना है, परसेंट अंडर स्कोर रैंक अंडर स्कोर COL, अगर मुझे ये निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारा रैंक क्या है? 1, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टोटल रोज, टोटल रोज कितने हमारे पास? 6, तो 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 5।
यानी कि जीरो हो गया। सेकंड में देखें तो ये भी सेम टू सेम वन ही है, तो ये भी हमारा जीरो होगा। अगर हम थ्री की बात करें तो इसका हो जाएगा थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस वन, सिक्स यानी कि टोटल रोज हो गए और थ्री जो है इस पर्टिकुलर रो का रैंक हो गया। तो हमारा जो आउटपुट आएगा टू डिवाइड बाई फाइव, टू डिवाइड बाई फाइव का मतलब क्या होगा 0.4। इसी तरीके से इसका भी 0.4 होगा क्योंकि रैंक सेम है। अगर हम फिफ्थ रैंक वाले रोज की बात करें तो फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका फोर डिवाइडेड बाय फाइव, तो 0.8 हो जाएगा इस तरीके से। अगर हम लास्ट की बात करें तो सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा फाइव डिवाइडेड बाय फाइव जो कि वन हो जाएगा। तो आपका जो परसेंट रैंक होता है वो जीरो और वन के बीच में होता है। तो इस तरीके से कहीं हम लोग परसेंट रैंक भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है हमारा कुछ इस तरीके से, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन विच इज प्रपोर्शन ऑफ रोज दैट हैव अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू इन द करेंट रोज। अब अगर इसका भी हम लोग अगर एक फॉर्मूला देखें, तो मैं सबसे पहले सारी चीज़ें इरेज कर लेता हूँ। अगर हम इसका भी एक फॉर्मूला देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, नंबर ऑफ रोज विथ अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू द करेंट रोज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल रोज। तो अगर हम लोग इसको समझें तो मैं वापस से पेन ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर वापस से रैंक बना दिया, तो रैंक मेरा वन होगा, थ्री थ्री फाइव एंड सिक्स, ये मेरा रैंक हो गया। अब अगर हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो इसको मैं क्यू में डिस्क अंडर स्कोर सी ओवर कॉलम बोल रहा हूँ। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो देखिए समझिएगा हमें करना क्या है। अगर हम बात करें इस रो की बात करें तो देखिए यहाँ पे रैंक क्या है हमारा, वन है। तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा जो नंबर ऑफ रोज मतलब नंबर ऑफ रोज जिसकी वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए करंट रोज की वैल्यू से। तो अगर हम इसकी बात करें वन रैंक की, तो टोटल नंबर ऑफ रोज जिसका वन रैंक कितना है वो टू होगा, मतलब दो ऐसे रोज हैं जिनके रैंक वन है, तो ये मेरा टू हो गया। डिवाइडेड बाय टोटल रोज कितने हो गए हमारे, सिक्स हो गए। तो टू डिवाइडेड बाय सिक्स अगर हम करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं आएगा 0.3333 इस तरीके से। इसी तरीके से नीचे भी हमारा 0.333 क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब अगर हम बात करें थ्री की, तो देखिए थ्री की अगर हम बात करें तो बेसिकली 87.8 जो है तो ये हमारा रैंक कहीं ना कहीं थ्री पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम थ्री की बात करें तो दो बार हमारे पास थ्री आए हुए हैं और इस दो बार से पहले कितने ऐसे रोज आ चुके हैं, टोटल चार आ चुके हैं। अगर हम इन दोनों को भी कंसीडर करें तो दो रोज ये हो गए और थ्री को भी कंसीडर करें तो टोटल चार हो गए। तो फोर डिवाइडेड बाय सिक्स करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.6666 ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये भी 0.6667 आ जाएगा। तो सिंपली हमें समझना ये है कि हमारे जितने भी रोज हैं जिनकी वैल्यूज लेस देन या फिर इक्वल टू है करेंट वैल्यू से, रैंक के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करेंगे उन सारे रोज का काउंट हम ले लेंगे। तो अगर हम फाइव रैंक की बात करें तो फाइव रैंक जो है टोटल नंबर ऑफ रोज लेस देन और इक्वल टू कितने, टोटल फाइव है, ऊपर दो फिर ये दो और ये फाइव, तो फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स करेंगे 0.833 कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम लास्ट वाले रोज की बात करें तो हमारा रैंक क्या है, सिक्स है, तो सिक्स से लेस देन और इस सिक्स रैंक के बराबर कितने हैं, सिक्स रोज हैं, तो सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स तो हमारा वन आएगा। तो हमारा जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जीरो से वन के बीच में होता है, तो वो हम लोग कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। सो ये मेरा माई सीक्वल वर्क बेंच ओपन हो चुका है। मैंने यहाँ पर कुछ डेटाबेस क्रिएट किए हैं एंड एक टेबल क्रिएट किया है जिसका नाम है स्टूडेंट, और उसके अंदर तीन कॉलम क्रिएट किए हैं एंड देन कुछ डेटा इंसर्ट कर दिए। अगर मैं इसको शो करके दिखाऊं तो हमारा जो टेबल होगा वो इस तरीके से बना हुआ है। अब हमें इसी के आगे अपना
रैंक निकालना है, डेंस रैंक निकालना है, परसेंट रैंक निकालना है और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो हमारा जो कोड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम ध्यान से समझें, हमने क्या किया, सेलेक्ट आईडी कॉलम, स्टूडेंट नेम एंड देन स्कोर, ये तीनों कॉलम को हमें रखना ही रखना है रिजल्ट के अंदर। फिर हम लोग रैंक फंक्शन यूज़ करेंगे रैंक निकालने के लिए। ओवर जो होता है ये हमारा विंडो फंक्शन होता है, इसके अंदर हमने ऑर्डर बाय क्लॉज लिया है जो कि स्कोर को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख रहा है, जो कि मैंने पहले ही बताया कि सबसे हाईएस्ट स्कोर को हम लोग सबसे छोटा वाला रैंक देंगे यानी कि 1 देंगे, और इसका नाम मैंने रख दिया रैंक कॉलम। इसी तरीके से डेंस अंडर स्कोर रैंक जो होता है डेंस रैंक निकालने के लिए होता है, हमने इसका नेम रखा है डेंस रैंक अंडर स्कोर कॉलम। परसेंट अंडर स्कोर रैंक जो होता है ये परसेंट रैंक निकालने के लिए होता है, इसका नेम हमने रखा है परसेंट अंडर स्कोर रैंक अंडर स्कोर कॉलम। फिर क्यूमे अंडर स्कोर डिस्ट फंक्शन जो होता है ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, इसके लिए भी हमने एक कॉलम नेम दिया हुआ है। और ये सारी चीज़ें हम लोग लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट लेवल से। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँ तो हमारा जो आउटपुट होगा कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप रैंक देखो तो ये 1 1, देन 3 3, देन 5 6 हो गया। डेंस रैंक में कोई भी स्किप नहीं हो रहा है। परसेंट रैंक अगर आप देखो तो कुछ हमारा इस तरीके से आ रहा है, एंड क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इस तरीके से आ रहा है। सो मैंने यहाँ पर पावर बी आई ओपन कर लिया है, एंड पावर बी आई के अंदर मैंने अपना टेबल क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर मैंने तीन कॉलम्स रखे हैं, आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्कोर। अब हम लोग मॉडल व्यू के अंदर हैं, हमें एक एक करके नया नया कॉलम क्रिएट करना है। तो हम न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम लोग रैंक निकालेंगे। तो हमें रैंक निकालने के लिए जो फंक्शन यूज़ करना है वो हम लोग यूज़ करेंगे रैंक एक्स फंक्शन। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। मैं अपने कॉलम का नेम देता हूँ रैंक अंडर स्कोर COL। तो हमारा जो फंक्शन होगा वो रैंक एक्स होगा। तो रैंक एक्स फंक्शन में सबसे पहले हम लोग टेबल का नेम देते हैं, तो टेबल हमारा स्टूडेंट स्टूडेंट हो गया। देन हम लोग एक्सप्रेशन देते हैं, तो एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, रैंकिंग हम लोग किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम लोग स्कोर के बेसिस पे कर रहे हैं। तो स्कोर कॉलम चूज करेंगे जो कि स्टूडेंट टेबल के अंदर है। फिर उसके बाद वैल्यू, वैल्यू हमारा कुछ नहीं है तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। तो मैंने 2 बार यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने 2 बार कॉमा दिया, इसका मतलब वैल्यू को मैंने स्किप कर दिया। और जो स्कोर होना चाहिए वो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो हम यहाँ पे DESC करेंगे। एंड देन अगर हमें रैंक निकालना है तो हम लोग स्किप यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पर स्किप चूज कर लेता हूँ, देन पैरेंथेसिस क्लोज किया। तो स्किप जो होता है ये रैंक निकालने के लिए होता है, इसका सिंपली मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर 2 रैंक सेम होंगी तो अगले रैंक को स्किप कर दिया जाएगा। अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूँ तो मेरा रैंक कॉलम कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 1 3 3 5 6 हमारा रैंक क्रिएट हो चुका है। अगर हमें यही चीज़ डेंस रैंक निकालना है तो मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, इसी डेक्स को कॉपी कर लेता हूँ। देन न्यू कॉलम पर हम लोग दोबारा से क्लिक करते हैं, एंड देन वापस से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एंड कॉलम का नेम रखते हैं डेंस अंडर स्कोर रैंक अंडर स्कोर कॉलम। इस बार हम लोग स्किप नहीं यूज़ करेंगे, इस बार हम लोग डेंस यूज़ करेंगे। तो डेंस जो होता है ये डेंस रैंक निकालता है, मतलब अगर कोई भी स्कोर सेम होगा तो उसकी रैंकिंग को स्किप नहीं किया जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जो रैंक होगा स्किप नहीं किया जाएगा। तो आप देखो 1 1 2 2 3 4 इस तरीके से हो गया। अब हम परसेंट रैंक की बात करें, तो परसेंट रैंक के लिए मैं सबसे पहले नया कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, एंड अपने कॉलम का नेम रखते हैं परसेंट परसेंट अंडर स्कोर रैंक अंडर स्कोर COL। तो हमें याद रखना है परसेंट रैंक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रैंक -1 डिवाइडेड बाय टोटल रोज -1। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वैर, इसके अंदर हम लोग निकाल रहे हैं रैंक, तो रैंक COL। तो रैंक हमारा क्या होगा, रैंक एक्स, रैंक एक्स, इसमें हमने स्टूडेंट दे दिया जो कि अभी हमने लास्ट में किया जैसे, एंड देन स्कोर कॉलम ले लिया हमने, एंड देन 2 बार कॉमा दिया, एंड देन डिसेंडिंग, एंड देन हमने रैंक लिया है। तो रैंक में हम लोग स्किप यूज करेंगे, एंड इसको पैरेंथेसिस क्लोज करके -1 कर दिया हमने, ये हमारा रैंक कॉलम हो गया।
अगर हमें टोटल रोज निकालना है, टोटल अंडर स्कोर रोज, टोटल अंडर स्कोर रोज निकालने का मतलब क्या हुआ, आपको पूरे टेबल का रोज निकालना है। तो पूरे टेबल का रोज निकालने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे काउंट रोज फंक्शन। इसमें हमें एक टेबल का नेम देना है, तो हमारा टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, सिंपल, ये हमारा काउंट रोज हो गया। देन माइनस वन हो गया। अब अगर हमें परसेंट रैंक निकालना है तो हम रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे एंड देन रैंक रैंक अंडर स्कोर कॉलम डिवाइडेड बाय टोटल अंडर स्कोर रोज। सिंपली अगर मैं इसको एंटर प्रेस करूँ तो हमारा जो परसेंट रैंक है वो आ चुका रहेगा 0, 0, 0.4, 0.4 एंड देन 0.8 एंड देन 1। तो परसेंट रैंक जो होता है उसका बेसिक फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम लोग डेक्स यूज करके कहीं ना कहीं परसेंट रैंक निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालना है। तो इसके लिए भी मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए भी आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने एक कॉलम क्रिएट किया है क्यूमे अंडर स्कोर डिस्ट अंडर स्कोर सी ओ एल। हमारा सबसे पहला जो वेरिएबल होगा ये करेंट स्कोर निकालेगा, तो हम लोग इसका नेम रख रहे हैं करेंट स्कोर एंड देन इक्वल टू में हमने रख दिया स्कोर जो कि स्टूडेंट टेबल के अंदर है। फिर उसके बाद हम एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जो कि लेस देन और इक्वल रोज लेकर आ रहा है, ये नंबर ऑफ रोज लेकर आ रहा है, और तब का रोज लेकर आ रहा है जब आपका स्कोर इक्वल टू हो या लेस देन हो। तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा, वेरिएबल बनेगा लेस देन और इक्वल इक्वल रोज इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो कैलकुलेट फंक्शन हो गया हमारा एंड देन इसके अंदर हमें काउंट रोज फंक्शन यूज करना है। तो काउंट रोज जिसके अंदर हमारा स्टूडेंट टेबल होगा, तो हमने इस तरीके से स्टूडेंट दे दिया। नाउ हमें एक चीज़ का और ध्यान देना है, हम ये सारे रो टेबल के अंदर कर रहे हैं तो कोई भी फिल्टर नहीं लगाना चाहिए। तो अगर हमें फिल्टर को इग्नोर करना है तो हम लोग ऑल फंक्शन यूज करते हैं। तो इसके में अंदर भी हम लोग स्टूडेंट दे देंगे, स्टूडेंट टेबल दे दिया हमने। नाउ हमारा जो करेंट स्कोर होना चाहिए वो या तो बराबर हो हमारे करेंट स्कोर से या फिर लेस देन हो। तो जो स्कोर होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू हो जाना चाहिए करेंट रोज करेंट स्कोर से, तो जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो ये कुछ तरीके, इस तरीके से हमारा एक लेस देन और इक्वल रोज नाम का एक वेरिएबल बन चुका है। थर्ड हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग टोटल रोज निकाल रहे हैं। तो टोटल टोटल रोज जो होगा ये सिंपल है, सिंपली हम लोग करेंगे काउंट रोज एंड देन ऑल स्टूडेंट कर देंगे। सिंपली हमने ये फंक्शन रन किया। काउंट रोज जो होता है ये सारे के सारे रोज काउंट करता है, और ऑल हमने इसलिए लिया जिससे कि कोई भी फिल्टर कंसीडर ना किया जाए, सारे फिल्टर को इग्नोर कर दिया जाए। नाउ अब अगर हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम क्रिएट करना है तो हम रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे एंड देन लेस देन और इक्वल रोज डिवाइडेड बाय टोटल रोज। ये हमारा बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा हमारा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखोगे ये बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यूज आपको दिख रहे होंगे जो सीक्वल के अंदर मिले। तो इन दोनों तरीके से आप विंडो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो सीक्वल के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो पावर बीआई के अंदर भी यूज़ कर सकते हो।